नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे अपने गांव के लिए ऐसा काम करें जो ऐतिहासिक साबित हो। उन्होंने कहा कि हर जन प्रतिनिधि के मन में ऐसा काम करने की इच्छा है जो चिरस्थायी बना रहे। यह अवसर इसी इच्छा को पूरी करने का संकल्प लेने का है। मोदी पंचायत राज दिवस पर जनजातीय बहुल्य मंडला जिले के ऐतिहासिक रामनगर से ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे। राज्य कृषि विपणन बोर्ड खत्म नहीं होगा। मंडी अधिनियम में बदलाव किसान और मंडी हित को मद्देनजर रखते हुए ही होंगे। बोर्ड को बंद करने की खबरों को सरकार ने कोरे अफवाह करार दिया है। केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट पर विचार करने और मंडी के कामकाज में सुधार लाने के उपाय सुझाने जो समिति बनी है उसकी सिफारिशों का सरकार और विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोलारस विधानसभा के उपचुनाव में मतदाता सूची में मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हजारों की संख्या में पाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी यदि सूची की लगातार समीक्षा करते रहते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में मृतकों के नाम मतदाता सूची में न होते। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर की पहली किश्त देने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 मई को यह एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा। हालांकि सरकार नगद एरियर देने के वादे से मुकर गई है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का एरियर 100% जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर 50% जीपीएफ खाते में और 50% नगद दिया जाएगा। प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने में फिर से पैच फंस सकता है। वित्त विभाग सातवें वेतनमान से पेंशन देने को तो राजी हो गया है, पर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के गणना के फॉर्मूले से अलग मसौदा बनाकर कैबिनेट को भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।